किसान भाइयों नमस्कार, मैं पिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, यदि आप गेहूं की खेती करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम जो है एक नई गेहूं की वैरायटी लेकर के आए हैं जिसका नाम है PBW 826, और यह वैरायटी पैदावारी में जो है 2967 3086 222 जैसी वैरायटी को भी जो है फेल करने की पूरी क्षमता रखती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वैरायटी जो है 2967 से जो है 24% जो है अधिक उत्पादन देने की क्षमता रखती है, वहीं HT 3086 से भी जो है 10% अधिक उत्पादन क्षमता इस वैरायटी की है। तो काफ़ी शानदार आने वाले समय के लिए जो है यह वैरायटी साबित होगी। अभी पिछले वर्ष यानी 2022 में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा जो है इस वैरायटी को किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। अब ये वैरायटी धीरे धीरे जो है देश के हर किसानों को मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब जो है कंपनियों को भी इस वैरायटी का लाइसेंस जारी कर दिया गया होगा, और अब कंपनियां जो है इस बीज को किसानों को उपलब्ध कराने का कार्य करेंगी। और यह एक ऐसी वैरायटी है कि यह हर एरिया के लिए उपयुक्त है। आप पूरे भारत में कहीं भी जो है जहां गेहूं की खेती होती है इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। अन्य वैरायटियां जो होती थीं उनके लिए कुछ क्षेत्र चुने हुए होते थे, उसी क्षेत्र में जो है हम लगा करके जो है अच्छा उत्पादन पाते थे। वहीं उन वैरायटियों को जो है यदि हम अन्य क्षेत्रों में लगा देते थे तो वहाँ पर जो है पैदावारी में कमी देखने को मिल जाती थी। वहीं PBW 826 जो है हर क्षेत्र में बुआई के लिए उपयुक्त है जहाँ गेहूँ की खेती होती है। आप इसकी बुआई पंजाब में भी कर सकते हैं, हरियाणा में कर सकते हैं, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी कर सकते हैं, उड़ीसा में भी कर सकते हैं और पश्चिम बंगाल में भी कर सकते हैं। यानी कि आप हर क्षेत्र में जो है इस वैरायटी की खेती कर सकते हैं। और इसकी जो फसल अवधि होती है वह लगभग 148 से लेकर 150 दिन की होती है, यानी कि लंबे अवधि की वैरायटी है। और यह जो वैरायटी है यह अगेती बुआई के लिए उपयुक्त है, और इस वैरायटी को जो है हम 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में जो है इसे लगा सकते हैं। इसका जो बीज दर लगता है वह 40 किलोग्राम प्रति एकड़ लगता है, और जब कंपनियां जो है इसका बीज किसानों को उपलब्ध कराएंगी तो 40 किलो बीज का जो कीमत होगा लगभग 1600 रुपये होगा। इसके पौधे की जो हाइट होती है वह लगभग 98 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है। पौधा मध्यम लंबाई का होता है और तने का मजबूत होता है। और इसके पौधे से जो है कल्लों के फुटाव के बारे में बात करें तो अधिक कल्लों का फुटाव होता है। संख्या स्तर पर बात करें तो 12 से 15 कल्ले जो है इसके हर पौधे से मिल जाते हैं, और इसकी बाली जो है काफ़ी लंबी होती है और दाने भी काफ़ी अधिक होते हैं, और दाने काफ़ी बोल्ड और चमकदार होते हैं, जिसकी वजह से जो है इस वैरायटी से 24 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ जो है औसत पैदावारी जो है आपको मिल जाएगी। अधिकतम पैदावारी की बात करें तो 33 से लेकर 35 क्विंटल प्रति एकड़ अधिकतम पैदावारी जो है इस वैरायटी से आपको मिल सकती है। इस वैरायटी में जो है सिंचाई के बारे में बात करें तो 3 से लेकर 4 सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इस वैरायटी को उसी क्षेत्र में लगाएं जहां सिंचाई की जो है अच्छी सुविधा उपलब्ध हो। ऐसे क्षेत्र में न लगाएँ कि जहाँ सिंचाई की अच्छी सुविधा उपलब्ध न हो। जिस एरिया में जो है 3 से लेकर 4 पानी की यदि आप व्यवस्था कर सकते हैं तो उसी एरिया में जो है इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। PBW 826 में जो है सूखा सहन करने की क्षमता है, वहीं जो है उच्च तापमान सहन करने की भी क्षमता है। आप देख रहे होंगे जैसे ही फरवरी का महीना आता है तो जो है टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और उच्च तापमान के वजह से जो है बहुत सारी वैरायटियों के जो दाने होते हैं वो पतले हो जाते हैं। वहीं जो है 826 में जो है उच्च तापमान सहन करने की क्षमता है, यानी कि उच्च तापमान के वजह से जो है बालियों में जो दाने बनेंगे वो मजबूत और वजनदार बनेंगे। आपके जो दाने होंगे वो मरेंगे नहीं उच्च तापमान के वजह से, क्योंकि इसमें जो है उच्च तापमान सहन करने की क्षमता है। तो किसान भाइयों, PBW 826 जो है अभी एक नई वैरायटी है, हो सकता है कि आपके क्षेत्र में जो है अभी यह ना मिल पाए। आने वाले समय में जो है कंपनियां आपको निश्चित तौर पे कृषि संबंधी दुकान के माध्यम से जरूर उपलब्ध कराएंगी, और आने वाले समय में जो है आप इस वैरायटी को लगा करके जो है गेहूं की बहुत अधिक पैदावारी ले सकेंगे।
तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक किसानों के पास जो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो किसान भाइयों, अगले वीडियो में जो है एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।